भगवंत मान ने। जी हाँ, उन्होंने आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल पर बहुत बड़ा बम भगवंत मान ने फोड़ा है और कहा है कि चुनाव से पहले जो फैसले लिए गए सेंट्रल लीडरशिप द्वारा, उनसे उन्हें दुख हुआ है। पार्टी नेतृत्व में ऐतिहासिक भूल की, क्या फायदा ईवीएम को दोष देने का। ये शब्द हैं भगवंत मान के ट्रिब्यून अखबार को, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें कहा है ईवीएम में गड़बड़ी खोजने से कोई फायदा नहीं है, पार्टी के नेतृत्व ने ऐतिहासिक भूल की है। हमें सबको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। आत्मचिंतन की बात करते हुए भगवंत मान, और आगे वो कह रहे हैं, पंजाब में बिना अपना कप्तान चुने हमने चुनाव लड़ा, हमारी टीम मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह थी। भगवंत मान कह रहे हैं हमारी टीम मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह थी, हमने सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, इससे लोग कंफ्यूजन में थे। भगवंत मान आगे कह रहे हैं पंजाब में जर्नैल सिंह को उतारना बड़ी गलती थी, क्योंकि सीएम का चेहरे को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया। भगवंत मान जो खुद को भी सीएम के चेहरे के तौर पर दिखाते रहे। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, अभी तो दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव में करारी हार हुई है उससे उभरी भी नहीं आम आदमी पार्टी, भगवंत मान ने इतना बड़ा बम फोड़ कर कह रहे हैं ईवीएम छोड़ दीजिए, पहले ये देखे पार्टी नेतृत्व की नीतियां कैसी हैं। देखिए नेहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत आपने सुनी होगी। मैं इन्हीं भगवंत मान के बारे में आपको बताता हूं कि चुनाव से तीन दिन पहले इन्होंने जो मुझे इंटरव्यू दिया था उसी में इन्होंने ये दावा किया था, जो ऑन रिकॉर्ड है, और मेरे साथ शर्त लगाई थी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में 100 सीटें आएंगी। बड़ा सवाल यह है कि हार के बाद और आम आदमी पार्टी के लगातार खराब होते प्रदर्शन के बाद पंजाब के नेता सीधी बात दिल्ली के नेताओं के सिर डाल रहे हैं, लेकिन यही नेता जिनमें भगवंत मान भी शामिल थे चुनाव से पहले खुद अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।